ने विंडोज़ 11 को इसमें इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम में। तो आप सभी को मैं बता दूं कि आपके पास एक जो प्रॉब्लम है वो शो कर रहा होगा, वो होगा विंडोज़ फाइल, जो पुराने वाले विंडोज़ फाइल है उसको डिलीट करने का। मैं दिखा देता हूँ कौन से की बात कर रहा हूँ मैं। जब आप विंडोज़ यानी सी ड्राइव खोलते हैं तो वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा Windows.old। ये एक फाइल है जो कि आप इसे डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते और ये सिस्टम ने खुद क्रिएट किया है जब आपने विंडोज़ 11 को इसमें इंस्टॉल किया था, ताकि आप अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वापस से आप रोल बैक करके वापस विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर सके। लेकिन अब सक्सेसफुली जब विंडोज़ 11 इसमें डाउनलोड हो चुका है, अब इंस्टॉल हो चुका है, तो अब इस फाइल का कोई काम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको वापस विंडोज़ 10 में जाना है तो इसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कन्फर्म है कि आपको वापस विंडोज़ 10 में नहीं जाना तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्पेस आपका कंज्यूम करता है, ऑलमोस्ट 25 to 30 GB तक का स्पेस कवर करता है। आप इसे डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते, तो चलिए शुरू करते हैं कि इसे कैसे आप डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने सर्च बॉक्स में जाना है। सर्च में जाके आपको लिखना है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप मिलने के बाद आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको थोड़ी देर लोडिंग लेने के बाद, ये बहुत टाइम लगा था तो ये मैंने पहले से ही करके रखा था, सारे फाइल्स वो क्या करेगा, विंडोज़ खोजेगा जो अननेसेसरी है और उसको आपको इस तरह से डिस्प्ले कराएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से और सभी फाइल को टिक कर देना है, और मेनली उस फाइल को जिसको आपको डिलीट करना है Windows.old फाइल को, तो वो आपको इस ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप टिक करते जाए नीचे स्क्रॉल, यहाँ पे आपको ये मिल गया प्रीवियस विंडो इंस्टॉलेशन, ये वाला ही है जो उसका नाम वहाँ पे फाइल में Windows.old से नाम था, लेकिन ये वाला ही फाइल उसमें है, यानी वो यही फोल्डर है। देखिए 25.3 GB का है, तो इसके अभी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और मुझे बाकी फाइल्स भी जो जो अननेसेसरी था सब खोज के दिखाया, तो मैं ऑलमोस्ट सब पे टिक कर देता हूँ। अब क्या करना है आपको, यहाँ से सिंपली ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डिलीट परमानेंटली का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप डिलीट फाइल्स पे क्लिक कर दीजिए। ये बहुत टाइम लगेगा डिलीट होने में, क्योंकि विंडोज़ फाइल जो प्रीवियस इंस्टॉलेशन फाइल था वो 25 GB का है। तो यहाँ पे एक और एक मैसेज आ रहा है, इफ़ यू क्लीन अप द प्रीवियस इंस्टॉलेशन और द टेम्पररी इंस्टॉलेशन फाइल्स यू विल नो लॉन्गर एबल टू रिस्टोर द मैक मशीन बैक टू द प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडो आरिश। तो मुझे प्रीवियस वर्जन में जाना ही नहीं है, तो मैं इसे डिलीट करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं इस पे यस पे क्लिक कर देता हूँ।